नमस्कार, खबर फास्ट पर विधायिका रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं मैं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। विधायिका रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के एक विधायक से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोचते हैं और लोगों की परेशानियों को लेकर कितने संजीदा हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और वहीं उनके कार्यकाल से पहले उनके हलके ने कितनी प्रगति की है। विधायिका रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ होंगे लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह, उनसे क्षेत्र के विकास को लेकर तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाडवा क्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज करेंगे सीधा सवाल विधायक मेवा सिंह से, जो लाडवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। लाडवा विधानसभा की बात करें तो एक कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये ग्रामीण आबादी वाला इलाका है। इस सीट पर किसी एक दल का राज नहीं रहा है। इस सीट पर सबसे पहले 2009 में INLD के प्रत्याशी शेर सिंह बड़शामी को जीत मिली। उसके बाद 2014 में BJP के डॉक्टर पवन सैनी को लोगों का समर्थन मिला और जीत का सहरा उनके सर सजा। वहीं 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक मेवा सिंह ने BJP के प्रत्याशी डॉक्टर पवन सैनी को 12,637 मतों से हराया और जनता का समर्थन हासिल किया। विधायक के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो मेवा सिंह एक सरपंच से लेकर विधायक तक का सफर तय कर चुके हैं। 2010 में कांग्रेस ज्वाइन कर लाडवा के विधायक बने। ये तो हुई यहाँ की राजनीति की बात। वहीं यहाँ की समस्याओं की बात करें तो खस्ता हाल सड़कें, स्वास्थ्य, गंदगी, आवारा पशु और बरसाती पानी की निकासी न होना यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, जिससे जनता परेशान है। इन समस्याओं पर विधायक महोदय ने 2 साल में कितना काम किया है और कितना अभी बाकी है, जनता के प्रतिनिधि होने के चलते ये जनता की कितनी सुध ले रहे हैं, ये सब जानेंगे लाडवा से विधायक मेवा सिंह से। तो आपने जाना क्या है लाडवा का सूरतेहाल। आइए अब स्वागत करते हैं लाडवा के मौजूदा विधायक मेवा सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है मेवा सिंह जी आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद श्वेता जी। मेवा सिंह जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे जनता से जुड़ा हर वो सवाल करेंगे, कितना विकास हुआ है और कितना काम रह गया है ये सब आपसे हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि जनता जनार्दन क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कह रही है और BJP के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कानपुर PHC है, वहाँ हम जो है ना वो भी मैं सारा मायने कर, वहाँ हमारा ट्रॉमा सेंटर बने, क्योंकि कोई भी पेशेंट लाडवा से बैंड से आता है तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर में डिसाइड हो जाए पेशेंट को, वी हैव टू रेफर PGI चंडीगढ़ और रेफर टू LNJP, क्योंकि LNJP जाने में इसको 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, इतने में पेशेंट जो है ना मर जाता है। तो यहाँ डिसाइड हो जाए फिर पेशेंट बाहर चला जाए, एक मुख्य मांग ये मेरी रह गई है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। दूसरा मेरी इच्छा है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारे, इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर हैं वहाँ बड़ा हॉस्पिटल हमारा लगभग 100 बेड का कम से कम जो है ना लाडवा में बने, और एक अच्छा OT वहाँ पर इस्टेब्लिश हो, जो भी सीजेरियन सेक्शन से बच्चे होते हैं माइनर ऑपरेशन वो सारे वहाँ पर हो जाएं, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ना आना पड़े, तो एक वो अच्छा हॉस्पिटल बन जाए हमारा। और पीपली का बबैन का तो PHC का CHC अपग्रेड हुआ, बड़ा मॉडलर OT बन रहा है वहाँ, तो मेन तो मेरा ये है बिल्डिंग अच्छी बन जाए। बाकी गांव की समस्या तो जो हमारे यहाँ निकासी का पानी की बहुत बुरा हाल है जी। यहाँ पर जैसे मंडी में पानी रुकता है, जोड़ा है 2-3 हमारे यहाँ से जो पंचायती हैं वो पूरे अटे पड़े हैं और उनका अवैध कब्जे हो रहे हैं जी। हम तो हमारी सरकार से यही उम्मीद वो प्रार्थना है भी, वो काम अगर हो जाए जोड़े खुदाई हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये तो मैं ला लो जी 20-30 साल इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं जी। सरकार वैसे दावे करती है जी जोड़ों की वो करेंगे, और बहुत गाँव में हो भी है, सफाई भी हुई है, बहुत बढ़िया काम है निकासी का, पर हमारे यहाँ इसके मामले बहुत बुरा हाल है जी। एक भी हमने बोला है जो कह रहे हैं भी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 बार प्रपोजल भी गए हैं, बाकी कोई बात बनी नहीं अभी तक। देखिए सर, पिछले 2 साल में मेवा सिंह जी विधायक हैं लाडवा से, अच्छी बहुमत से बने थे, लेकिन बाई चांस वो ये है कि विपक्ष के विधायक बन के रह गए। फिर भी लाडवा के जो कुछ पिछले रुके हुए काम थे उनको उन्होंने पूरा भी कराया है, और समय समय पर वो विधानसभा में लाडवा की समस्याएं उठाते भी रहे हैं, और हम लोगों ने भी जब लाडवा में कोई समस्या आई है चाहे वो मंडी लेवल की हो चाहे किसी लेवल की हो, जब भी उनसे संपर्क किया है उन्होंने हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है,
और अभी एक रिसेंटली जो फोर लेनिंग हमारी करनाल डिस्ट्रिक्ट से में जाके रुक गई थी, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में बनी थी लाडवा का, उसका 5-6 किलोमीटर का टुकड़ा रुका हुआ था, उसका भी उन्होंने प्रस्ताव पास करा दिया है, जो कि अखबार में हमने पढ़ा था कि वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए विपक्ष में रहते हुए कोई मतलब ऐसा तो कार्य नहीं कर पाते हैं, फिर भी इन्होंने बहुत कोशिश की है कि जैसे हमारे आसपास की जो सड़कें हैं उनके लिए इन्होंने बजट मंजूर कराए हैं वहाँ से, और उसके लिए एक विपक्ष में रहते हुए विधायक का ये सब करवा पाना बहुत ही बड़ा कार्य है। हम बार लगे हैं जी, पिछले 7 साल से तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ भाई। बबैंड की अनाज मंडी है वो 3 फुट के करीब गहरी है जो सड़क से, सारा बरसात में पानी खड़े हो जाता है, फसल ख़राब हो जाती है। इसके अलावा बबैंड गांव की ही बात करें तो यहाँ पर जोड़ों का बहुत बुरी हालत है जी। सरकार के जो कार्यक्रम चले हैं उनमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। इसके अलावा विधायक जी का हमने कई बार समस्याएं रखी, वो हमारी समस्याओं पर ध्यान दे रहे और काम भी करवा रहे। विपक्ष का विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर लगभग 40 सड़कें जो जिनकी रिपेयर होनी है, स्पेशल रिपेयर, वो उन्होंने मंजूर कराई, जिसमें से 20 के करीब तो लगभग कारपेट हो चुकी है और बाकी सड़कें अंडर प्रोसेस हैं। पंचायतों में भी लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की ग्रांट उन्होंने अपने इस कार्यकाल में दी है, और वो जितना उनकी कैपेसिटी है उतना वो अपने काम पे हमेशा वो लगे रहते हैं। तो मेवा सिंह जी, आपने सुना कि हल्के की जनता क्या कुछ कह रही है, हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया है विकास को लेकर, लेकिन ट्रॉमा सेंटर का काम आज तक नहीं हुआ है, कारण जानना चाहेंगे आपसे। मैडम जी, हमारे पूर्व विधायक 5 साल विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के जी, इनके कार्यकाल में एक भी काम लाडवे हल्के में नहीं हुआ। जो समस्याएं लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो ट्रामा सेंटर की आप बात कर रहे हैं जी, पहले पहले विधानसभा के सेशन में मैंने इसको पूरे जोर से उठाया था जी, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ये खड़े होकर विधानसभा में वादा किया था कि विधायक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर विधायक जी हमारे को कहीं जमीन दुआ देते हैं पीपली के आसपास, हम वहां पर ट्रामा सेंटर बनाने का काम करेंगे जी। और मैंने विधानसभा के अंदर ही मंत्री को, पूरी विधानसभा को आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी ही खानपुर कोलिया पीपली के पास पंचायत पड़ती है वहां की जमीन, पंचायत की जमीन फ्री आपको दिलवाने का काम करूंगा जी। और एक साल पहले पिछले साल 4 अगस्त को मैंने पंचायत का 5 एकड़ का रेजुलेशन करवा को मंत्री जी को सौंप दिया है जी, और लेकिन आज तक उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि 5 एकड़ जमीन की कीमत वहां पर कम से कम 10 करोड़ रुपए है, और 6 एकड़ में वहां पहले पीएचसी बनी हुई है, 11 एकड़ जमीन पंचायत ने फ्री सरकार को दे दी, मैंने रेजुलेशन उनको दे दिया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जानकारी मिली मेवा सिंह जी कि उद्घाटन हो गया लेकिन अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है। कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई 4 दीवारी तक नहीं उसकी बनी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी सरकार जी। पंचायत रेजुलेशन में साल पहले सरकार को सौंप चुका हूं, मंत्री जी को दे चुका हूं जी। और दूसरा, जो हमारी करनाल से लाडवा तक 4 लेनिंग सड़क बननी शुरू हुई थी जी, करनाल की सीमा तक उसको बढ़ा के बंद कर दिया गया, आगे जो कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा हल्के की 7 किलोमीटर सीमा थी उसको छोड़ दिया गया। इन पूर्व विधायक के समय की मैं बात आपको बता रहा हूँ जी। मैंने पहले विधानसभा के सेशन में सरकार से पूछा कि जो सड़क करनाल से लाडवा के लिए बननी शुरू हुई थी और करनाल की सीमा तक उसको बढ़ा के कुरुक्षेत्र की सीमा की 7 किलोमीटर उसको क्यों छोड़ दिया गया, आगे पाकिस्तान तो नहीं है। अब उस सड़क का मैंने प्रयास किया, अब उस सड़क का टेंडर हुआ है, काम अलाट हुआ है, 12 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है जी। अब वहां पर ठेकेदार काम शुरू किया है। पिछले पूर्व विधायक की तो एक भी काम नहीं हल्के में करवाया। ये सारी समस्याएं जितनी भी थी, अब पिछले 2 साल से मैं हर विधानसभा के सेशन में उठा रहा हूं। हमारे पीपली का बस स्टैंड है, 2 बार मुख्यमंत्री खुद वहां पर विजिट कर चुके हैं और खबरें लग चुकी है आधुनिक बस स्टैंड यहां पर बनाएंगे, आज तक उस पर एक ईंट नहीं इन्होंने रखी। पिछले 3 सेशन से विधानसभा में उसको उठा रहा हूं, लेकिन सरकार के कारणों पर जो तक नहीं रहेंगे दी। लेकिन मेवा सिंह जी, आप बता रहे हैं कि पूर्व विधायक ने काम नहीं किया, पूर्व विधायक ने काम नहीं किया तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, उन्होंने नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जी। इंद्री रोड जो
लाडवे इधरी रोड जो लाडवे की 7 किलोमीटर छोड़ दी गई थी उसका मैंने 12 करोड़ रुपया मंजूर करवा के टेंडर अलाट हो चुका है, ठेकेदार को काम मिल चुका है, उस पर काम शुरू हो गया है। जी दूसरा हमारे पीपली लाडवे हल्के में पीपली कस्बा पड़ता है, पंचायत है, बहुत बड़ा कस्बा अब गांव है, 10,000 वोट का गांव है जी। उसके ऊपर से कड़ी लाइन हाई वोल्टेज की तारें निकलती थी और आज तक जितने भी विधायक यहां से रहे हर विधायक ने वायदा किया था ये तारें हम यहां से निकलवाने का काम करेंगे और 10-15 लोग हाई टेंशन तार की करंट लग के अपनी जान वहां पर गुवा चुके थे जी। पिछले 5 साल पहले मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट में थी भी ये तारें हम निकलवाने का काम करेंगे लेकिन किसी ने वो तारें नहीं निकलवाई। अब मैंने प्रयास करके पहले विधानसभा के सेशन में उस समस्या को उठाया कि 15 लोग वहां पर अपनी जान गुवा चुके हैं, कब तक आप लोगों की जान लोगे। अब उस पे मैं चौधरी रणजीत सिंह का जो बिजली मंत्री है उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरा सहयोग किया, मेरे जो मैंने प्रयास किए थे उस काम को सिरे चढ़ाने का उन्होंने काम किया, 11 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवा के जी। आज खानपुर कोलिया में 66 केवी का पारा उसका काम पूरे जोरों में चल रहा है और ताकि जो पीपली पावर हाउस से देहात की सप्लाई जाती है जी। वो सप्लाई खानपुर कोलिया से दे दी जाए और ये पीपली के ऊपर जो हाई वोल्टेज तार है ये निकल जाए, उस पर पूरे जोरों पे काम चल रहा है, वो मैंने मंजूर करवाया। मैं प्रयास कर रहा हूँ आज तक जो मौजूदा सरकार के विधायक थे वो ये काम नहीं कर पाए, वो काम मैंने किया जी। तो लाडवा में गर्ल्स कॉलेज नहीं है मेवा सिंह जी, इसको लेकर क्या कुछ किया आपने? बिल्कुल मैडम आप ठीक कह रहे हैं, लाडवा में लाडवा की तो बहुत समस्याएं थी, लाडवा में गर्ल्स कॉलेज वो भी मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। लाडवा में बाईपास की एक बड़ी भारी समस्या है जी, युवना जितना भी रेत बजरी रोड़ा पत्थर वहां से निकलता है पूरे हरियाणा में उसकी सप्लाई होती है, वो सारे ट्रक बड़े बड़े ट्राले लाडवा से होकर निकलते हैं और लाडवा के इंद्री चौक पे सारा दिन जाम लगा रहता है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बाईपास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जमीन इक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 और सेक्शन 4 के नोटिस जारी कर दिए थे लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने का काम किया। लाडवा के बाईपास के मुद्दे को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया, हमारे पीपली से यमुनानगर 4 लेनिंग सड़क बननी थी, साहब आते लाडवा 4 लेनिंग सड़क बननी थी उसको मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया और उसकी फाइल अब मैंने चिलवाई और मैं उम्मीद करता हूँ अभी अगले फरवरी मार्च तक उसको भी मैं सिरे चढ़वाने का काम करूंगा, पीपली यमुनानगर और लाडवा साहब आते को भी 4 लेन बनवाने का मैं काम करूंगा जी। तो बाईपास को लेकर क्या कुछ करेंगे मेवा सिंह जी? बहुत जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं, कैथल सिरसा हिसार से जो बसें आती है वो हरिद्वार सहारनपुर और यमुनानगर जाती हैं, उसके लिए बाईपास ही नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है, मैंने आपको बताया ना चौधरी उपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे हमने बाईपास को मंजूर करवा के उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी जी, लेकिन जमीन इक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस किसानों को मिल चुके थे जमीन इक्वायर के लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार आई इन्होंने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने का काम किया। तो आप तो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी सारे प्रोजेक्ट आपके ड्रॉप करवाए जा रही है? मैडम ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रूफ सबूत है मेरे पास जी। ये लाडवा हल्के का एक एक बच्चा एक एक वोटर जानता है इन्होंने उसको ड्रॉप करने का काम किया और ये आज लाडवा में बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या कभी सीएम से मुलाकात करने की कोशिश की मेवा सिंह जी? इसके लिए मैं लेटर भी लिख चुका हूँ, पीडब्ल्यू मिनिस्टर से भी मिल चुका हूँ, विधानसभा के हर सेशन में ये मुद्दा मैं उठा चुका हूँ, सिर्फ खाली आश्वासन देने के बजाय अब तक उस पर उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया और आगे भी आने वाले सेशन में मैं इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाने का काम करूंगा। ये लाडवे हल्के की नहीं पूरे इलाके की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लाडवा एक छोटा सा कस्बा है, 18,000 वोट का कस्बा है और लाडवे के बाजार से होकर वो सारे बड़े ट्राले निकलते हैं, सारा दिन चौक पे जाम लगा रहता है, तो ये बड़ी भारी समस्या है और ये भी सीएम अनाउंसमेंट में था पिछले 7 साल में, इन्होंने उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया। अब मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको कोशिश करूंगा बनवाने की। तो पानी की निकासी की बात करें, बरसात होती है पानी ठहर जाता है उसकी निकासी नहीं हो पाती है, बेरोजगारी है और तमाम तरह की समस्याएं हैं, सड़क ठीक नहीं है, पेयजल की समस्या है, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए बिल्कुल
निकासी की बड़ी भारी समस्या है गांव में, जोहड़ कई गांव में जोहड़ ओवरफ्लो के सड़कों पे पानी खड़ा रहता है, उसके लिए भी हमने सरकार पे इस मुद्दे पर बात करी है, पंचायत मिनिस्टर को भी मिले थे जी। इसकी समस्या का समाधान करे गांव जोड़ों में से। अच्छा पिछले 6 महीने से गांव में कहीं पंचायत नहीं है, पंचायतें भंग कर दी, पंचायत के चुनाव नहीं करवा रहे हैं जी। आज ना तो कहीं पंचायत काम कर रही है, उससे ज्यादा समस्या ये ज्यादा इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि ना तो नालों की सफाई हो रही है, ना जोड़ की सफाई हो रही है, पंचायतों के चुनाव ये सरकार करवा नहीं रही है, उससे उससे ज्यादा समस्या अभी आ रही है। और मैं तो जल्दी पिछले जल्दी से जल्दी सरकार को एक बात कहूंगा कि इस समस्या का हल करने के लिए पंचायत के चुनाव करवाएं। गांव में पंचायत चुनी जाती है, वो अपने गांव में कोई विकास कार्य है, नाले की सफाई है, जोड़ की सफाई है, वो काम पंचायतें करवाती है। पंचायतें इन्होंने भंग कर दी, चुनाव ये करवा नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं। मेवा सिंह जी, विकास करवाने के लिए ग्रांट की जरूरत होती है, अभी तक सरकार की ओर से कितना ग्रांट आपको मिल चुका है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए मैडम, मैं पिछले 2 साल में मैंने प्रयास किया भी सरकार से लड़ झगड़ के प्रयास करके 8-10 करोड़ रुपए मैंने गांव के विकास के लिए मंजूर करवाने का काम किया, और वो गांव में कुछ विकास कार्य हो भी चुके हैं और कुछ ग्रांट आने वाली है। और दूसरा, हमारे हल्के में जितने भी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी उनकी हालत बहुत खस्ता थी, पिछले 5 साल में यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, मैंने 2 साल में प्रयास किया। नहीं मेवा सिंह जी आपसे क्लियर तौर पे जानना चाहूंगी, कितना पैसा आपको मिल चुका है? आपने 8-10 करोड़ की बात की थी, पर मिला कितना है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से 4-4.5 करोड़ रुपए आ चुका है, बाकी अभी 2-2.5 करोड़ अभी आना बकाया, उसके एस्टिमेट भी सरकार के पास जा चुके हैं, वो भी मैं जल्दी रिलीज करवाने का काम करूंगा। दूसरा मैडम, मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें थी जी, हमारे गांव में सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की बनाई हुई हैं, मैंने प्रयास करके 20 सड़कें जिनका खर्चा तकरीबन 9 करोड़ रुपए आया, वो जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं, वो कारपेट करवाने का काम किया, वो कारपेट हो चुकी है। उसके अलावा 21 सड़कें और जिनके एस्टिमेट 4.5 करोड़ के एस्टिमेट बने हैं, उनकी भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। वो अगर आप कहें तो मैं एक एक गांव का नाम वो लिस्ट में आपको पढ़ के बता सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मैडम, पीडब्ल्यूडी की भी मैंने हल्के की 8-10 सड़कें जो 12 फुट से 18 फुट चौड़ी होंगी, और लाडवा सीएससी के लिए रिपेयर के लिए 42 लाख रुपया, बबैन बस स्टैंड के लिए 56 लाख रुपया, 22 करोड़ के करीब मैंने पीडब्ल्यूडी से सेंक्शन करवाने का काम किया। कुछ सड़कों पे काम चल रहा है, कुछ की टेंडर प्रक्रिया चल रही है, वो भी अगले महीने में सड़कों में भी काम शुरू हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा अपने हल्के का विकास करवाएं, और हर मुद्दे को जो भी मेन मुद्दे हैं विधानसभा में उठाने का काम करता हूं, और सरकार से लड़ झगड़ के प्रयास करूं ज्यादा से ज्यादा अपने हल्के काम करूं। जी मेवा सिंह जी, एक और समस्या है कि बस स्टैंड पे जो बसें हैं वो नहीं रुकती हैं, नेशनल हाईवे पर बस रुक जाती है, लोगों को समस्या होती है, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे आप? बिल्कुल मैडम, ये बड़ी भारी समस्या है जी, यहाँ पर भी ये समस्या पीपली में भी है, नेशनल हाईवे के ऊपर है, बस स्टैंड तो यहाँ नाम मात्र का है। यातायात व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए ना मेवा सिंह जी, यातायात व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है लाडवा में। मैडम मेरी तो सुनो ना, मैंने आपको बताया 5 साल पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ बस स्टैंड बनाने की अनाउंसमेंट करी थी जी, खुद मुख्यमंत्री दो बार साइट पे आके देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब तक कोई काम अब तक इन्होंने शुरू नहीं किया। इसको भी मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया, और मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको लड़ाई लड़के भी पीपली में आधुनिक बस स्टैंड हम बनाने का काम करेंगे। इसी तरह बड़ी भारी समस्या बस स्टैंड की हमारे बुबैन कस्बे में भी है, एक छोटा सा बस स्टैंड वहां पर बना हुआ था, सड़क बहुत ऊंची उठ गई, बस स्टैंड काफी गहरा रह गया, उसके लिए भी मैंने 56 करोड़ रुपया पिछले दिनों सैंक्शन करवाया था जी, उस पे भी सरकार पैसा सैंक्शन कर दिया, पैसा यहाँ पीडब्ल्यूडी के पास आया पड़ा हुआ, लेकिन ये सरकार वहां पर काम नहीं लगा रही। मैंने बबैन के वासियों को तैयार करके चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस दिलवाया, भाई ये पैसा आप क्यों नहीं इसमें लगा रहे, सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया, 15 अगले महीने की 15 तारीख लगी हुई है सरकार को, हाईकोर्ट ने नोटिस किया भी आप ये बस स्टैंड क्यों नहीं बना रहे जी। मैं हर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, कोर्ट की भी मदद ले रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, विधानसभा के सेशन में भी ये मुद्दे उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हल्के ज्यादा ज्यादा विकास कर, लेकिन सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, समस्याओं पर ज्यादा गौर नहीं कर रही है।
जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर लाडवे में इन्होंने कॉलेज, गर्ल कॉलेज बनाने का वायदा किया था, आज तक वो नहीं पूरा हुआ। आपका जैसे मैंने बताया लाडवे की बाईपास की समस्या है जी, पीपल फोर लाइन की समस्या है, लाडवे से शाहबाद की फोर लाइन की समस्या है, और बहुत समस्याएं हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे जमीन में दुआ चुका हूँ, 11 एकड़ जमीन फ्री में खानपुर कोड़िया गांव में ट्रामा सेंटर के लिए मैं रेजोल्यूशन दे चुका हूँ, आज तक उस पर इन्होंने कोई काम नहीं कराया। दूसरा, हमारे इलाके की, हमारे जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वाटर लेवल की है जी। वाटर लेवल दिन पर दिन गहरा चला जा रहा है, और उसके लिए हमने प्रयास करके बहुत लंबी लड़ाई लड़ करके, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने दद्दूपुर नलवी नहर को यहाँ पर मंजूर करवाने का काम किया था, और उस पे काफी काम हो चुका था, जमीन एक्वायर हो चुकी थी, दद्दूपुर नलवी नहर की आधे से ज्यादा नहर की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन इस सरकार ने उसको डी नोटिफाई करने का काम किया, और ये दद्दूपुर नलवी नहर हमारे जिले के लिए, हमारे इलाके के लिए जीवन रेखा का प्रश्न है, क्योंकि हमारे हल्के में पूरी 100% सिंचाई ट्यूबवेलों से होती है, यहाँ पर नहरी पानी लगता और पानी का वाटर लेवल दिन पर दिन गहरा होता जाता है। तो दद्दूपुर नलवी नहर यहाँ पर जरूर बननी चाहिए थी, हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़के उसको, इस नहर को यहाँ पर बनवाने का काम किया था, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको डी नोटिफाई करने का काम किया, जिससे हमारे वाटर लेवल में दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है। तो ये भी हमारे जिले की, हमारे अम्बाला और कुरुक्षेत्र दोनों जिले की समस्या है, लेकिन इस सरकार ने उसको डी नोटिफाई करने का काम किया, इससे हमारी समस्या वाटर लेवल की और बढ़ गया, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जितने भी समस्याएं हल्के की हैं, हम पूरे जोर जोर से हर विधानसभा के सेशन में उठाने का काम करें और आगे भी लड़ाई लड़ते रहें। मेवा सिंह जी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और किस तरह से इन्हें सुधारा जा सकता है? देखिये मैडम, आज एक लाडवा हल्के के नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के हालात ये हैं, किसी भी हॉस्पिटल में ना तो कहीं पर डॉक्टर पूरे हैं, ना कहीं पर पैरामेडिकल स्टाफ पूरा है, ना कहीं पर नर्सें पूरी हैं, सब अस्पतालों की हालत बहुत खस्ता है, और इसके लिए हर विधायक, मैं भी और दूसरे विधायक भी, खुद बीजेपी के विधायकों ने भी विधानसभा में ये मुद्दे उठाए हैं, लेकिन सरकार से कोरे आश्वासन मिलते हैं, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो मेवा सिंह जी, अगले 3 सालों के लिए क्या कुछ प्लान है आपके, क्या कुछ अभी जो है आपने विकास कार्य करवाने अगले 3 सालों में? देखिये मैंने जो रोड मैप बनाया, जितनी समस्याएं हमारे लाडवा हल्के की रह रही हैं, चाहे वो लाडवे का बाईपास है, चाहे लाडवा हल्के में गर्ल कॉलेज बनाने की बात है, चाहे वो पीपली और बुबैन का बस स्टैंड बनाने की बात है, चाहे पीपली से यमुनानगर फोर लेन की बात है, चाहे वो लाडवे से शाहबाद फोर लेन की बात है, जितनी भी समस्याएं हैं, मैं 3 साल सरकार के साथ लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ाई लड़के उन समस्याओं को पूरा करवाने का काम करूंगा। मेवा सिंह जी, किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बड़े लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए श्वेता जी, किसान आंदोलन को 1 साल होने के जा रहा है जी, और किसान 600 से ज्यादा किसान वहां पर अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं, और किसान आज मांग क्या रहा है, किसान की सिर्फ एक मांग है जी, कि हमारे हरियाणा में, पंजाब में हमारा मंडी सिस्टम बहुत बढ़िया है जी, हर 10 किलोमीटर के बाद मंडी बनी हुई है, आप इन मंडियों में टाटा आए, अडानी आए, अंबानी आए, बिरला आए, मंडियों में आए, जो गेहूं खरीदे, जीरी खरीदे, लेकिन किसान एक बात कह रहा है, भाई वो एमएसपी से कम ना खरीदे जी, बिल्कुल, सरकार इस बात दे माल कोई भी खरीदे, अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, लेकिन जो सरकार ने हमारे को एमएसपी दिया, उस एमएसपी से कम कोई भी अनाज ना खरीदे, उसमें एक प्रावधान हो, जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार से किसान सिर्फ ये चीज मांग रहा है, कोई सरकार उनको देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, तो किसानों की बिल्कुल जायज मांग है, और मैं सरकार से अपील करूंगा कि बहुत लंबा समय हो चुका है, 600 से ज्यादा किसान यहाँ पर अपनी जान गवा चुके हैं, और कोई चौड़ी किसान की मांग नहीं है, उनसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं जी। जी बिल्कुल, वो एमएसपी की गारंटी देके इस किसान आंदोलन का, समस्या का हल निकाला।
तो मेवा सिंह जी अपना कीमती वक्त देने के लिए खबर फास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे लाडवा से विधायक मेवा सिंह, जिन्होंने जनता के सवालों का जवाब दिया और किसान आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि जल्द से जल्द सरकार को किसान आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों में लाडवा क्षेत्र का और ज्यादा विकास होगा, इस बात का भी वादा उन्होंने हमसे किया है। तो फिलहाल विधायक का रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।